एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। एंड आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप ग्रीन कॉफ़ी को यूज़ करके अपनी बॉडी के लिए और फेस के लिए मास्क और स्क्रब बना सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ग्रीन कॉफ़ी जो है वो आपको किस पहली चीज़ मार्केट में अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको ऑनलाइन बुला सकते हो। किसी भी ऐप में, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऐप में आपको ये मिल जाएगी, किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे न्यू हर्ब्स की ली है और मैं किसी भी ब्रांड को स्पॉन्सर या मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना चॉइस बता रही हूँ आपको। आप कोई भी ले सकते हैं, 100% वेजिटेरियन है यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी होती है, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना बता दूँगी। और इसका आप हेयर मास्क भी लगा सकते हैं, लेकिन हेयर मास्क दूसरी तरीके से बनाया जाता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नोट कर दूँगी। अब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका बॉडी स्क्रब या फेस स्क्रब और बॉडी पैक या फेस पैक कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, ये आपकी स्किन को एक अच्छा मॉइस्चर देती है, प्लस आपके स्किन को एक अच्छा ग्लो देती है, आपकी पूरा जो डर्ट डस्ट जितनी भी चीज़ें होती है सबको हटाती है। तो ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, आप इसको एक बार यूज़ करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। ये जितना खाने के लिए आपका इम्पॉर्टेंट होती है, उतनी ज़्यादा आपके फेस के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके आप अपना स्क्रब पैक कैसे बना सकते हैं। बॉडी और फेस दोनों के लिए आप इसको वीक में एक बार लगा सकते हैं, वीक में एक बार आप फेस में या बॉडी पर, वीक में एक या दो बार आप लगा सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इससे कैसे स्क्रब और मास्क बना सकते हैं। 2-in-1 स्क्रब एंड मास्क है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रीन कॉफ़ी लेंगे, तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आपका, तो जैसे पैकिंग में आती है वो बहुत अच्छी है, आप इसको पैक करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ फेस के लिए बना रही हूँ, तो फेस के लिए आपको सिर्फ हाफ स्कूप से भी थोड़ा कम ही लेंगे हो जाएगा आपका। या मैं हाफ स्कूप ले रही हूँ और इस हाफ स्कूप, अब इसके अलावा जो हम इंग्रेडिएंट्स लेने वाले हैं, पहले इनके बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे हल्दी लेंगे पहले, तो जो हल्दी होती है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एक अच्छा ग्लो देती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो आपकी पिंपल, एक्ने या स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनको कम करने में मदद करती है, एंड एक अच्छा आपको ग्लो भी प्रोवाइड करती है। तो हल्दी इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। फिर बेसन आपको एक अच्छा ग्लो देगा और एक बैटर में एक अच्छी कंसिस्टेंसी दे देंगे, तो आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। फिर दूध तो हमें बहुत अच्छे से ग्लो देता ही है, वो हम सबको पता है, मॉइस्चराइज करेगा आपकी स्किन को। अगर आप यहाँ दूध नहीं यूज़ करना चाहते, आप दही भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं दूध यूज़ कर रही हूँ क्योंकि दूध ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप दूध ही यूज़ करें। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ फ्रेश मलाई रखी थी, यानी क्रीम रखी थी, मैंने वो ले ली। फ्रेश है तो ही लेना आपको, नहीं तो नहीं लेना है। और अगर आप दही यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको मलाई नहीं यूज़ करनी है। और अगर आप चाहेंगे आप ज़्यादा टाइम के लिए उसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो इस तरीके से किसी भी बॉक्स में आपको बेसन, कॉफ़ी, ग्रीन कॉफ़ी जो हमारी है वो, और हल्दी को मिला के आप रख सकते हैं। और जब भी आपको स्क्रब या पैक लगाना हो तो आप इसको थोड़े से बाउल में लेके उसमें दूध या पानी या कुछ भी डाल सकते हैं, एंड उसको मिक्स करके अपने बॉडी पे स्क्रब या पैक लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको ये बनाना कैसे है, जो मेन है। तो मैंने पहले से ही आपको बता दिया, मैंने यहाँ पे ग्रीन कॉफ़ी लिया, जितनी आपने यहाँ पे ग्रीन कॉफ़ी लिया है उतना ही यहाँ पे आप बेसन लेंगे। नहीं, आप बेसन ले लेते हैं। इसके बाद बिल्कुल हम थोड़ी सी हल्दी लेंगे, इतनी ही, ज़्यादा हल्दी में फिर वो कलर छोड़ देगी अपना। और कोशिश करिएगा कस्तूरी हल्दी यूज़ करने की। फिर हम यूज़ करेंगे दूध, बस इतना ही डालना है कि हमारा बैटर अच्छा कंसिस्टेंसी मिले। और फिर हम इसमें डालेंगे क्रीम, यानी मलाई भी, जो जो भी मोटी मोटी सी मलाई होती है वो हम यूज़ करेंगे। एंड अब ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है अच्छा सा बैटर देखिए क्या मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको इसको थिक करना है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये। अगर आपको पैक बनाना है तो आप इतना पतला रखोगे, लेकिन अगर आपको स्क्रब करना है तो आप इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हो। थोड़ा सा और आप कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, तो ये आपका स्क्रब का काम हो जाएगा। तो अब ये मेरा पैक बन गया, तो मैं इसको आपको लगा के बताऊँ कि ये स्क्रब का भी काम करेगा प्लस आपका पैक का भी काम करेगा। तो इस तरीके से जैसे हम स्क्रब करते हैं ना, वैसे आप अपने फेस या बॉडी आप जिस पर भी कर रहे हो
इस तरीके से अच्छे से सर्कुलर मोशन में, कभी भी स्क्रब को ना सर्कुलर मोशन में करना चाहिए तो अपना ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देता है। तो आप इसको सर्कुलर मोशन में करोगे तो जैसे हम फेशियल करते हैं तो पहला स्टेप हम करते हैं क्लेंजिंग, तो ये आपकी पहली चीज़ क्लेंजिंग भी कर देगा। सेकेंड स्टेप हम करते हैं स्क्रब, स्क्रब भी कर देगा। फिर हम लगाते हैं पैक, पैक का भी ये काम कर देगा। और ये बहुत अच्छे से, फिर फेस वॉश हम सबसे करते हैं तो फेस वॉश में जो हमारा डर्ट होता है वो निकलता है, तो ये डर्ट भी निकाल देगा। यानी ये आपका होमेडिक फेशियल का भी काम कर सकते हैं हम ये कह सकते हैं। तो अगर आप इसको सिर्फ एक बार ही लगाते हैं वीक में, एक या दो बार आप लगा सकते हो, तो अगर आप एक बार भी लगाते हो तो आपको एक ही महीने में बहुत अच्छा तुरंत ही आपको इफेक्टिव रिजल्ट दिखेगा। तुरंत ही जैसे ही आप इसको वॉश करोगे ना तो आपको दिखेगा कितना अच्छा इफेक्टिव एक रिजल्ट आपको मिला है। उसको आपको 5 मिनट तक स्क्रब करना है। आप उसको बॉडी स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, फेस स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप जब इसको 5 मिनट तक स्क्रब कर ले तो स्क्रब करने के बाद आपको इसको पानी से वॉश करना है। तो आप देख सकते हो कितना इफेक्टिव ग्लो मैंने इस हाथ में लगाया था। तो आप दोनों हाथ में डिफरेंस देखोगे कितना ज़्यादा इफेक्टिव ग्लो। मैंने सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट स्क्रब किया उसी मुझे इतना इफेक्टिव ग्लो मिला है। तो आप इसको लगाएंगे आपको बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि मैं जब भी नेक्स्ट ऐसे DIYs या होम रेमेडी या ब्यूटी वीडियोस डालूँ आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले इस बारे में। एंड कमेंट में बताना आपको ये कैसा लगा। और अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं इस तरीके के या किसी और टॉपिक में तो वो बताना, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को भी कवर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।